I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving. तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल बड़ी द बाइकर। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, आपका अपना बड़ी। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और बाइक का रिव्यू। और आज हमारे सामने जो बाइक है वो अपने आप में एक ब्रांड है, आप बोल सकते हो कि ब्रांड नेम उसका मार्केट में चलता है और उसका जलजला अलग ही है। तो आज मैं जो बाइक लेकर आया हूं वो हंटर 350 है, आपका मेट्रो वेरियंट। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें इनके जो वेरियंट्स आते हैं वो मेट्रो और रेट्रो में काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूं। तो अगर वीडियो में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो तो उसको माफ़ करिएगा। हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है वो इस टाइम मेट्रो है, और एक इनका जो वेरिएंट इसमें आता है वो रेट्रो है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, बड़े बड़े डिफरेंसेस, जैसे व्हील्स की बात करें तो उसमें स्पोक व्हील्स वगैरह, वो सारा मैं वीडियो चलेगी टाइमली मैं आपको सारी चीज़ों में बताता जाऊँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मंगलम रॉयल्स हाथरस, जिन्होंने मेरे को ये बाइक प्रोवाइड करी और मैं इस बाइक का रिव्यू आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। सो बिना किसी का टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाइक के सारे स्पेक्स और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। सो फर्स्टली हमारे सामने जो बाइक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेट्रो वेरिएंट है। अगर मैं आपको मेट्रो वेरिएंट के बारे में बताऊँ तो मेट्रो में भी दो वेरिएंट्स आते हैं, आपका रेबल और डैपर। हमारे सामने जो वेरिएंट अवेलेबल है अभी वो आपका ये रेबल वेरिएंट बोल सकते हो आप, रेबल में ही है। ये ड्यूल टोन में कलर होता है इसका, आप ये देख सकते हो, जैसे टैंक सेक्शन हो गया आपका हाफ सिल्वर हाफ ब्लैक। और जो इनका डैपर वेरिएंट है वो सिंगल कलर टोन में मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशंस काफ़ी मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो अलग अलग प्राइसिंग है कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। जो भी आपको कलर सूटेबल लगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप वो शोरूम में विजिट करके आप बुक कर सकते हो। सो शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आपको अगर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके कोई भी बातचीत करनी है, या अगर आप इस बाइक को लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, या अगर आपको टेस्ट राइड बुक करनी हो, या कोई भी बात करनी हो बाइक से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसमें आप बात कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको बाइक का 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ कि नॉर्मली हम देखते हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक जो हमें देखने को मिल जाती है, पूरी बाइक में ओवरऑल मटेरियल जो होता है मेटल में ही मिलता है। बट अगर इस बाइक की बात करें इंडिविजुअली इस बाइक की, तो सिर्फ टैंक में ही आपको मेटल देखने को मिल जाएगा, बाकी अदर कहीं भी मेटल नहीं। इवन देन अगर आप फ्रंट मडगार्ड की बात करो तो ये भी फाइबर में है, कहीं भी मेटल नहीं। पीछे सेक्शन की बात करें, पीछे का जो फेंडर देखने को मिल जाता है आपको, बैक में आप देख सकते हो प्लास्टिक। तो काफ़ी लोग इस बाइक की बुराई भी कर रहे थे, काफ़ी लोग इस बाइक की तारीफ कर रहे थे। तो आज हम इस बाइक को देखेंगे पास से और आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि इसमें क्या कमियां थी, क्या बेटर हो सकता था, और ये कितनी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो फर्स्टली अगर इस बाइक की बात करें, ये बाइक उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है और थोड़े से पतले दुबले हैं मेरे भाई, क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपने आप में वेट के लिए जानी जाती है। और इस बाइक की वेट की बात अगर हम करें तो बाइक का वेट अराउंड, जो हमारे सामने वेरिएंट अवेलेबल है, वो अराउंड 180 to 181 kg के आसपास का है, क्योंकि ये इनका मेट्रो वेरिएंट है। और वहीं अगर इनकी रेट्रो वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे वेट रिडक्शन हो जाता है, तो अराउंड 6 kg वेट उसमें रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो आपको वही 175-176 के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो एक बार इस बाइक का प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे सामने जो वेरिएंट अवेलेबल है वो आपका मेट्रो वेरिएंट है, और मेट्रो वेरिएंट का प्राइस इन हाथरस एट मंगलम रॉयल्स आपको देखने को मिल जाता है 2,05,000 रुपीज ऑन रोड। बाकी जो भी बातचीत हो आप कर सकते हो। वहीं अगर रेट्रो वेरिएंट की बात करें, इसका प्राइस आपको अराउंड 1,79,000 रुपीज ऑन रोड देखने को मिल जाता है। सो अपनी अपनी चॉइस है, पर्सनल आपको आप क्या प्रेफर करते हो। पर्सनली अगर मैं प्रेफर करूं, मेरे को पर्सनली हंटर 350 में आपका ये मेट्रो वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वहीं बात करें उनकी रेट्रो वेरिएंट की, तो वो उसकी एक अलग फील है, क्लासिक से रिलेट कर सकते हैं काफ़ी लोग उसको, क्योंकि उसमें स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं जो एक रॉयल एनफील्ड का ट्रेडमार्क होता है स्पोक व्हील्स का। जैसे आप कॉन्टिनेंटल GT भी देखोगे तो उसमें आपको स्पोक व्हील्स ही मिल जाते हैं। बाकी अगर फ्रंट सेक्शन से बात करें, टायर सेक्शन में आपको दिखाऊं, अच्छे खासे टायर मिल जाते हैं। 110 सेक्शन का टायर फ्रंट में देखने को मिल जाता है, वहीं हमको बैक में रियर में 140 सेक्शन का टायर रियर में मिल जाता है। ग्रिप की बात करूं, टायर क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है,
लोग काफी बुराई कर रहे थे टायर्स की कि टायर पतले दे दिए हैं कुछ, मेरे को ऐसा इसमें ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आ रही। 140 सेक्शन का टायर मेरे हिसाब से सफिशियंट है। इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो एड ऑन करा के आप उसको रिप्लेस करा सकते हो जब आपकी टायर की लाइफ हो जाए ना। मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, माइलेज में फर्क आएगा, पर्सनल प्रेफरेंस होती है अपनी अपनी सबकी। बाकी बाइक की व्हील्स की बात करें तो एलॉय व्हील्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, इनका मेट्रो वेरिएंट है जैसे कि मैंने आपको बताया। रेट्रो वेरिएंट में स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं, आपका ड्यूल चैनल एबीएस में बाइक देखने को मिल जाती है। फ्रंट में वाइबर का ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाता है, ब्रेकिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ काफी बाइक्स में डिसेंट रहती है इस ब्रेक कैलिपर की। पीछे भी आपको डबल डिस्क सेटअप भी देखने को मिल जाता है, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ देखने को मिल जाती है। वॉक अराउंड में आपको देता जाऊंगा वीडियो में साथ के साथ। अगर हम इसके लाइट सेटअप की बात करें तो इसमें हमको हैलोजन सेटअप भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हो हैलोजन बल्ब का सेटअप है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर क्वालिटी ठीक है, थोड़ी बेटर हो सकती थी बट हैलोजन में मिलेंगे। आफ्टर मार्केट एसेसरी है रॉयल एनफील्ड की, अगर आप चाहो तो ऐड ऑन करा सकते हो शोरूम में विजिट करके। जो भी चीज़ें जैसे विंडस्क्रीन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करा सकते हो। एक इनकी यहाँ पे ट्रिपर एसेसरी भी आती है मीटर में, तो वो भी आप ऐड करा सकते हो। बाकी फिट एंड फिनिश पेंट की काफ़ी डिसेंट है, मुझे कोई गड़बड़ी नहीं लग रही। वहीं मीटर कंसोल की बात करें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर कैमरा फोकस कर पा रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इस मीटर को, एनालॉग के साथ साथ डिजिटल भी देखने को मिल जाता है। स्पीडिंग की बात करें तो 160 तक की टोटल स्पीड आपको ये देता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, टाइम देखने को मिल जाता है इसमें, इनके मोड्स मिल जाते हैं, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप वन ट्रिप टू यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप वन ट्रिप टू आप चेंज कर सकते हो। लो फ्यूल का साइन देखने को मिल जाता है, बैटरी का साइन हो जाता है, एबीएस का साइन, इंजन की चेक लाइट मिल जाती है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बाइक में, सो ये आपको इंडिकेट कर देता है। और सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इस बाइक में ये लगी कि आफ्टर मार्केट काफ़ी लोग परेशान होते हैं, वो हजार्ड इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें वायरिंग में छेड़छाड़ करानी पड़ जाती है, कई बार कटिंग भी करानी पड़ जाती है, बट इसमें ऐसा मेरे को कोई इशू नहीं लगा क्योंकि कंपनी हमको हजार्ड फ्लैशर इनबिल्ट दे देती है जैसा कि आप देख सकते हो, अभी ब्लिंक भी कर रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी डिसेंट चीज़ है ये, आपको कोई भी आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। वहीं बैक सेक्शन की बात करें, बैक लाइट की एलईडी में देखने को मिल जाती है हमें इसमें मेट्रो वेरिएंट में। वहीं रेट्रो में बात करें तो पीछे का फेंडर अलग है उसमें, जैसे कि ग्रैब रेल्स में आपको बताऊं इसमें स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, और वहीं अगर रेट्रो वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे उसमें नॉर्मल मेटल के आते हैं। वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे दूंगा उसका कि आपका रेट्रो वेरिएंट कैसा लगता है देखने में, देख सकते हो आप। तो एक बार मैं आपको उसकी लाइट क्वालिटी दिखा देता हूँ कि इस बाइक की लाइट क्वालिटी कैसी है, डिसेंट है कि नहीं है, रात में काम करेगी कि नहीं करेगी। बाइक का इग्निशन देख रहे हो, वन टच स्टार्ट। और लाइट की बात करें, हैलोजन बल्ब का जो सेटअप मिल जाता है, मैं नहीं समझता कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर एलईडी का सेटअप मिल जाता तो भाई चार चांद लग जाते। बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, रॉयल एनफील्ड से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दे लो, जैसे कि वायर्स थोड़े से टक्ड इन हो सकते थे, थोड़े अंदर कर देते इसको या कवर दे देते काफ़ी अच्छा हो जाता, वायर की कवरिंग मिल जाती इसमें तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती, क्योंकि फिट एंड फिनिश बाइक का वैसे ठीक ठाक है लेकिन छोटे छोटे जो माइनर टचेज है ना वहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। वहीं अगर एक बहुत बड़ी चेंज की बात करें, जैसे कि आप ये देख सकते हो स्विच गियर क्वालिटी रेट्रो और मेट्रो में डिफरेंट मिल जाती है। अगर हम मेट्रो वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये मीडियम लुक में ही स्विच गियर्स मिल जाते हैं, वहीं अगर रेट्रो वेरिएंट की बात करें वहाँ सिंपल स्विचेस मिल जाते हैं, तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलते ही रहेंगे बाइक में। साइड में दिखाऊं मैं आपको तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की स्टिकरिंग मिल जाती है, अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा 3D में लोगो या बैजिंग मिल जाती है काफ़ी अच्छा होता। टैंक क्वालिटी, टैंक का जो फिट एंड फिनिश है ना, मतलब पेंट क्वालिटी डिसेंट है यार। तो एक बार फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको इसमें 13 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक मिल जाता है। एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है वो अराउंड 40 या 35 का तो मिलेगा ही मिलेगा, 35 टू 40 का आप एवरेज निकाल सकते हो अगर आप नॉर्मल भी चला रहे हो उसको। सीट कंफर्ट की बात करें, कुशनिंग काफ़ी डिसेंट है क्योंकि ये इनका एक रेट्रो वेरिएंट नहीं है, मेट्रो वेरिएंट है, सॉरी फॉर कंफ्यूजन। तो कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, डिसेंट है, ग्रैब रेल्स तो आप देख ही सकते हो लुक एनहेंस कर देते हैं क्योंकि स्प्लिट में मिल जाते हैं, रेट्रो में सिंगल ग्रैब रेल मिलता है मेटल की फॉर्म में। वहीं अगर इधर की साइड में आपको दिखाऊं तो ये लेग गार्ड है, लेग गार्ड काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है। साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और सस्पेंशन की बात करें अच्छा खासा सस्पेंशन देखने को मिल जाता है सस्पेंशन कवर के साथ, जो कि काफ़ी लोग आफ्टर मार्केट ढूंढते हैं इस चीज़ को बट नहीं मिलता।
इंजन की बात करें तो जे सीरीज का इंजन मिल जाता है इसमें हमें, क्लासिक से रिलेट करेंगे थोड़ा बहुत। और व्हील बेस की बात करें तो जैसा कि रॉयल एनफील्ड ने क्लेम करा, व्हील बेस इस गाड़ी का शॉर्ट कर दिया गया है। सो मैं समझता हूँ उसकी वजह से अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है तो हिली एरियाज पे आएगी, गाड़ी घिसने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, बट कंपनी क्लेम कर रही है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप आसपास का सरफेस भी देख सकते हो, मैंने थोड़ा ऑफ रोडिंग टायर भी चूज करा है। इस बाइक का आराम से टेस्ट रिव्यू हो जाएगा कि ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी है कि नहीं बनी है। इंजन स्पेक्स की बात करें, मैं आपको इंजन के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये एक 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर और 27.3 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो अपने आप में अगर बात करें, इनिशियली तो आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी, लेकिन टॉप एंड में तो रॉयल एनफील्ड कमाल करता ही करता है, आप लोगों को जैसा कि पता है ये सब चीज़ें। इफ गियर बॉक्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमको 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। गियर ओवरऑल काफ़ी ईजी टू शिफ्ट है, क्विकली शिफ्ट कर सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है गियर सटेंगे नहीं। फुट पैक्स की बात करें तो फुट पैक क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, एल्युमिनियम के साथ रबर की फिनिश मिल जाती है जैसे कि आप देख रहे हो। पीछे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, सस्पेंशन मैंने आपको बताए दिए थे और ये स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है हमें इसमें। और यहाँ की फुटपैक्स भी आप देख सकते हो डिसेंट है, क्वालिटी ठीक ठाक है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में भी देखने को मिल जाता है। तो वेट की बात करें, बाइक की वेट मैंने आपको बताई दी, आप ऐसा मेरे को, मेरी हाइट 5'10" है, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बाइक को हैंडल करने में, ज़रा सी मेरे को कोई मतलब हैवीनेस फील नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली होंगी इस बाइक के बारे में, आपको सब कुछ बता दिया होगा। तो एक बार इस बाइक का राइड रिव्यू कर लेते हैं और आप लोगों को इस बाइक की इंजन की परफॉर्मेंस बता देते हैं कि लुक में तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हो कि ओवरऑल आप देख रहे होगे कि जो रॉयल एनफील्ड की एक क्लासिफिकेशन होती है अपने आप में बाइक की हैवीनेस और जो उसके लुक होते हैं मेटल पार्ट्स ओवरऑल बॉडी पे, इंजन तो हमको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है, आप देख भी पा रहे होगे। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में राइड रिव्यू में बात कर लेते हैं और आप लोगों को उसका अंदाजा दे देते हैं। तो गाइस फाइनली अब इसका एक बार राइड रिव्यू कर लेते हैं। एरिया आप देख सकते हो कि कितना रोड सरफेस जो भी है आप कह सकते हो कि प्लेन नहीं है, ऑफ रोडिंग ही होगी। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि पहाड़ों के लिए बाइक बनी है कि नहीं बनी है, या ऑफ रोडिंग आप इससे कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो इग्निशन ऑन करके आप देख लीजिएगा, अब आपको रिस्पॉन्स पता चल जाएगा सस्पेंशन का भी और सारी चीज़ों का भी। मैं इसको ऑफ रोडिंग करके ही चलूँगा, थोड़ी बहुत सेटलिंग होगी तो वो भी करके दिखा दूंगा आपको। देखिए अभी आप सरफेस देख रहे हो रोड का, शेकीनेस इग्नोर करिएगा कि स्मूथ सरफेस बिल्कुल भी नहीं है और सस्पेंशन पीछे वाला थोड़ा स्टिफ है बट आगे वाला काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी 0 to 100 भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, थोड़े से सिनेमैटिक्स भी निकालने ज़रूरी हैं। आई होप आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी डिसेंट आ रही होगी, कोशिश तो मेरी यही है। बाकी अगर बाइक के लुक एंड फील की बात करें तो वाइब्रेशन तो मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रही हैंडल बार पे, हाई स्पीड पे थोड़ी बहुत तो बनती है यार, आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जो भी है करवा सकते हो। और बाकी रॉयल एनफील्ड की काफ़ी सारी एसेसरीज आती हैं, जैसे आप विंड स्क्रीन लगवा सकते हो अगर विंड ब्लास्ट आपको कम करना, क्योंकि अभी इस पर ऐसा कोई भी एसेसरी नहीं लगी हुई है। अगर मीटर कंट्रोल की बात करें तो आपको, आप देख सकते हो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। आप चाहो तो एज एन एसेसरी इनकी ट्रिपल एसेसरी भी आती है, आप वहाँ पर एड ऑन करा सकते हो, नेविगेट कर देती है वो आपको सारी चीज़ें। बाकी बाइक का जो एक बोलोगे ना इंजन का थंप होता है रॉयल एनफील्ड, जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो अपने आप में काफ़ी मशहूर चीज़ है, क्योंकि बाइक का जो थंप है वो अभी भी बरकरार है रॉयल एनफील्ड ने इंजन में। सो एक बारी मैं आपको इस बाइक का 0 to 100 चेक करा देता हूँ कि पावर में क्या है। थर्ड गियर पे लिटरली 80+ ही जा रहा है, थर्ड गियर 100 ऑलमोस्ट। ऑन क्वालिटी आप सुन सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा सेफ नहीं है, तब आप बोल सकते हो इससे ज़्यादा सेफ नहीं है राइड करना, हाइपर राइडिंग में करता नहीं ना एडवाइस करता किसी को भी। बाकी बाइक की बात करें, बाइक देख सकते हो आप, लुक एंड फील मैं आपको दे दूंगा, पीछे से राइडर की प्रेजेंस भी बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उस बाइक को चलाने का, मैंने पहले भी रॉयल एनफील्ड की काफ़ी सारी बाइक्स चलाई हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करी जाए क्या डिफरेंशिएट है इसमें, क्या सारी चीज़ें अलग हैं, क्या नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अगर उनकी बात करें तो देखिए जैसे अभी मैं 4th गियर पर चल रहा हूँ,
तो बाइक कहीं भी लैग नहीं कर रही है। अगर मैं इनिशियली इसको खींचूंगा तो कोई कमी नहीं है, मतलब कहीं भी बाइक बंद नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो रही हो। फोर्थ गियर पे भी आप अगर यहाँ से इसको खींचोगे, रेस पुल करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेलरेट करके देख लो आप। बाकी अगर ये बाइक लेने का प्लानिंग कर रहे हो फॉर ट्रैवलिंग में, हो सकता है मे बी आपको, क्योंकि फॉर अ पिलियन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। बाकी राइडर के लिए तो ठीक ठाक है। और बाकी अगर आप सारी चीज़ें ऐड ऑन करा लोगे उसमें, जैसे कि विंड स्क्रीन वगैरह हो गई, तो विंड ब्लास्ट जो थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देगा, जो आपको अभी महसूस हो रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है इसमें, मेजर चीज़ महसूस हो रही है विंड ब्लास्ट, क्योंकि अभी इसमें कोई भी विंड स्क्रीन नहीं लगी है। तो विंड स्क्रीन जब लग जाएगी तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ है या फिर विंड रिडक्शन है वो हो जाएगा। बाकी पावर तो बाइक में है, ऐसा नहीं है कि पावर की कमी है। क्लासिक 350 से अगर इसको कंपेयर करा जाए तो उससे तो मेरे को रिफाइंड लग रही है, क्योंकि क्लासिक 350 में मेटल पार्ट्स इतने ज़्यादा हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन वगैरह मेरे को थोड़ी फील होती है। बाकी अगर आप अपने बाइक की एक एडवाइस लो, आप इस बाइक को ओन करते हो या परचेज करने सोच रहे हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आफ्टर टाइम आपको करा लेनी चाहिए कि आपको इसमें से ये सब चीज़ें चेंज करा लेनी चाहिए। जो आपके ये मिरर्स हैं, आप चाहो तो इनको चेंज करा लीजिएगा, तो इसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होगी। हैंडल बार पे आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी एसएस, बट इस पर वाइब्रेशन है। सो आप बार एंड मिरर्स लगवा लीजिएगा। रॉयल एनफील्ड की एसेसरीज आती हैं काफ़ी सारी, वो लगवा लीजिएगा। LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर चल जाते हैं, बट अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली उसको अपनी चॉइस बना सकते हैं। और बार एंड मिरर्स लगवा लीजिएगा। बाकी अगर ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें इस बाइक के लिए, सो अगर क्लासिक 350 से कंपेयर करोगे तो उससे तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, एक नई चीज़ देखने को मिल जाती है। मैं पर्सनली ये उन लोगों को प्रेफर करूँगा जो थोड़े से लाइट वेट हैं, थोड़े से हल्के हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी, जिनकी थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया व्हील बेस कम कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया है। सो एवरेज अगर एक हाइट की बात करें, आप अगर आप लोगों की हाइट 5'5" या 5'4" है, तो आपके पैर पहुँच जाएंगे ईजिली, आप इसको हैंडल कर लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शॉर्ट हाइट वालों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि रॉयल एनफील्ड, एक तो वेट कम हो गया ओवरऑल आप अगर देखो, शॉर्ट हाइट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, आप बाइक को हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको बाइक प्रॉब्लम दे रही है वेट की वजह से। बाकी भगाने में भी ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है। बाकी अभी मैं सेकेंड गियर पर चल रहा हूँ तो ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें। और हम शोरूम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। सो ये था इस बाइक का राइड रिव्यू। अगर आपको ये बाइक पसंद आ रही हो और मेरा रिव्यू आपको ठीक ठाक लग रहा हो, तो आप डेफिनेटली एक बार इस बाइक को अपनी प्रेफरेंस में ला सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, और इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है बता दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। तो ये हमारे अंकुश जी मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी बात करनी है तो भाई से बात कर सकते हैं ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, एक और सब्सक्राइबर मैंने गेन कर लिया, जल्दी वीडियो आ जाएगी, भाई देखने को मिल जाएंगे उसमें, BTS में आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें।